देखिए आज मैं आप सभी के लिए एक अच्छा पेन लेके आया हूँ, बेस्ट पेन, पर एग्जाम के लिए नहीं। जी हाँ, एग्जाम के लिए ये पेन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। कारण मैं आपको दिखाता, इसे मैंने नीचे रख दिया था, कैप लगा कर रखा था, उसके बाद भी तो इसमें खास तौर से वार्निंग दिया गया है। देखिए पेन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, सच में जो रिकमेंडेशन है उसे फॉलो कीजिएगा। ब्लू वाला है ये देखिए, ये जो है कैसे डैमेज हुआ, देखिए लीक हो गया इसका इंक। नोट्स वगैरह बनाने के लिए पेन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ये स्किप फ्री चलता है, जिसे लिखने में जो है आसान, बहुत अच्छा फ्लुएंसी आता है इसे लिखते लिखते। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आप इस पेन को ले सकते हैं, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं। इतने समय से इसे लिख रहा था इस पेन से, पर ये पेन ख़राब कब हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब मैंने डेमोक्रेसी का नोट्स लिखा तब, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ इसे एग्जाम में लेकर नहीं जाइएगा। जी हाँ, पर नोट्स वगैरह बनाने के लिए पेन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ये स्किप फ्री चलता है, जिसे लिखने में जो है आसान, बहुत अच्छा फ्लुएंसी आता है इसे लिखते लिखते। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आप इस पेन को ले सकते हैं, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं। पर सच में आपको बताता हूँ, नोट्स लिखने में इससे मज़ा आता है, जो स्पीड से जो लिखा आता है नोट्स, और अब एग्ज़ाम को इन पेन से लिखना कानून अपराध है, कानून तो नहीं कह सकते, मजाक कर रहा हूँ। एक पेन की कीमत है 60 रुपये, तो हमें दो की ज़रूरत है, ब्लू और ब्लैक। मैं आपको फिर से रेकमेंड करता हूँ कि आप इसे एग्ज़ाम में नहीं लेकर जाइएगा, प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए बेस्ट है ये, और नोट्स के लिए। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, माय नेम इज आकाश एंड आई एम साइनिंग आउट, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।